गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूं मिष्टी और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी वाली मीशो हॉल लेकर आई हूं गाइस। प्लाजो सेट है, कुर्ता प्लाजो सेट है, गाउन जैकेट सेट है, स्कर्ट कुर्ती सेट है और सब पार्टी वेयर ओकेशन वेयर है गाइस। अगर आप को कोई भी किसी भी ओकेशन में जानी हो या फिर कोई भी शादी में जानी हो, किसी टाइप ऑफ पार्टी अटेंड करनी हो, तो आप इस तरह की ड्रेसेस पहनकर इजीली जा पाओगे। इतनी अच्छी वाली एक मीशो हॉल आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ और एक कैजुअल वेयर वाली भी है जो आप इजीली किसी भी आप ऑफिस में भी पहनकर जा सकोगे। इतनी अच्छी वाली है, तो चलो शुरू करते हैं आज की हॉल। फर्स्ट जो सेट है वो ये है, ये पिक्चर देती हुई जाऊंगी, आप चेक कर लेना। इतनी अच्छी वाली है, एकदम पार्टी वेयर वाली है। इसकी जो कुर्ती है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये कुछ इस तरह की है, ये देखो ये बर्गेंडी कलर में है गाइस। इतनी सुंदर है, ये देखो सामने स्टोन वर्क की गई है, ये देखो ये छोटी छोटी इतनी सुंदर है, ये देखो। और इधर नेट की स्लीव्स दी गई है और बेल स्लीव्स है, ये दिख रही है आपको, ये देखो बेल स्लीव्स है। कुर्ती है कुछ इस तरह की, स्ट्रेट कट कुर्ती है और नीचे लाइलिन भी दी गई है। स्ट्रेट कट साइड स्लिट कुर्ती है, लाइलिन दी गई है, ये आप देख सकते हो। लाइलिन की क्वालिटी बहुत अच्छी वाली है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी वाली है और इसमें मेरी साइज है एल, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी हो गई है, थोड़ी सी ढीली हो गई है, इसे मुझे ऑल्टर करनी पड़ेगी। तो ये है इसकी कुर्ती और इसके साथ जो प्लाजो दी गई है वो भी इतनी सुंदर है। आप देखो इधर वेस्ट पोर्शन में इलास्टिक दी गई है और पूरी जो है ना वो भी लाइलिन दी गई है भीतर। ये देखो प्लाजो कितनी सुंदर है, भीतर एक कपड़ा है और बाहर से भीतर इस तरह की लाइलिन दी गई है। ये देखो ये दिख रही है, ये देखो तो आपका यहाँ तक जो है इधर लाइलिन है और बाकी की पोर्शन सिर्फ नेट है। तो आप सोचो कितनी सुंदर दिखोगे जब आप इसे पेयर अप करोगे। एकदम स्ट्रेट कट प्लाजो है लेकिन प्लाजो पूरी लाइलिन दी गई है, ये देखो पूरी लाइलिन दी गई है। तो ये है इसकी प्लाजो और इसके साथ जो दुपट्टा, मैं इसे नहीं कहूंगी ये, क्योंकि इसकी जो लेंथ है बहुत छोटी है, स्कार्फ आप बोल सकते हो। ये देखो ये इसकी जो ब्रेथ है वो भी काफी छोटी है और लेंथ भी काफी छोटी है। तो आप ना इसे स्टाइल से ले सकते हो, लाइक मैं आपको दिखा दूंगी कि आप कैसे ले सकते हो। आप चोटी में बात कर इसे ले सकते हो सामने ऐसे इस तरह से, या फिर आप किसी भी तरह से, या फिर अगर आप नहीं भी लोगे तो भी ये बहुत सुंदर दिखेगी। लेकिन हाँ मैं तो इसे उस तरह से ही लूंगी, एज अ स्कार्फ या फिर अपनी चोटी में बांध कर, तो बहुत सुंदर दिखोगे। तो ये कुर्ता सेट और मेरे सेकेंड जो कुर्ता सेट है गाइज वो एक स्कर्ट और कुर्ती का सेट है। स्कर्ट कुछ इस तरह की है, ये देखो ये है इसकी स्कर्ट। मैं पहले स्कर्ट दिखा देती हूँ, ये देखो स्कर्ट की घेर बहुत अच्छी वाली है, बहुत सुंदर है। ये देखो सामने ये वेस्ट पोर्शन में इस तरह की लाइक इलास्टिक दी गई है और घेर है बहुत सुंदर, पूरी इस तरह की गोल्डन से प्रिंट की गई है, ये प्रिंट है गोल्डन की। नीचे इस तरह की जो जिस कलर की ये कुर्ती है उस कलर की एक बॉर्डर जैसी लगाई गई है, ये देखो कितनी सुंदर वाली। और इतनी थिक है ये कपड़ा और ये कॉटन मटेरियल में है, पूरी कॉटन मटेरियल में है, इतनी थिक है कि ये एकदम बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये थी इसकी स्कर्ट और स्कर्ट की घेर इतनी अच्छी वाली है, ये देखो मैं आपको दिखा दूंगी, ये देखो कितनी अच्छी वाली है स्कर्ट की घेर। और इसके साथ जो कुर्ती दी गई है वो भी एकदम यूनिक टाइप ऑफ है, मैं पिक्चर देती हुई जाऊंगी आप देख लेना, इतनी सुंदर है। ये देखो इसकी जो कलर है वो आप देखो, ये ना एकदम ग्रीनिश ब्लू कलर है, ग्रीनिश ब्लू कलर, लाइक इधर थोड़ी सी ब्लू ब्लू दिख रही है लेकिन ये एक्चुअली ये ग्रीनिश ब्लू कलर है, ग्रीन ज्यादा है ब्लू कम है। तो ये है कुछ इस तरह की, ये देखो कितनी सुंदर है ये कुर्ती, ये पूरी कॉटन मटेरियल में है, राउंड नेक है और ये देखो इस तरह की बटन दी गई है सामने, जो कि ओपनेबल नहीं है लेकिन हाँ डिजाइन के तौर पर दी गई है, ये देखो। और पूरी कुर्ती में इस तरह की गोल्डन प्रिंट की गई है, ये देख सकते हो पूरी कुर्ती में, लॉन्ग कुर्ती है गाइस। इनफैक्ट पूरी जो स्कर्ट है वो एक तरफ से ढक जाती है और एक तरफ ये सिर्फ स्कर्ट दिखाई देती है, इतनी अच्छी वाली है। ये देखो ये जो कुर्ती है बिल्कुल बहुत बहुत लॉन्ग है, मुझे बहुत लॉन्ग हो गया है ये, मैं दिखा दूंगी, मुझे शायद इसे ऑल्टर करना पड़े। ये देखो सामने इस तरह की स्लिट है, दिख रही है आपको, ये देखो स्लिट किस तरह की है, ये देखो जो आपकी कमर पोर्शन है ना उधर से ही ये स्लिट स्टार्ट हो जाती है, बहुत सुंदर वाली है गाइस।
और इधर इस तरह की लटकन भी दी गई है, ये देखो बहुत सुंदर है गाइज। मैं पिक्चर देती हुई जाऊंगी, आप चेक कर लेना, इतनी सुंदर है, मैं पहनकर भी दिखा दूंगी। बहुत सुंदर, बहुत पसंद आई है मुझे ये, देखो कितनी सुंदर है एकदम। एक ये ना एकदम मुझे एक लाइक जैकेट जैसा ही लगी, लेकिन हाँ ये कुर्ती है और जो कमर पोर्शन है उधर से फ्रंट स्लीट है, फ्रंट स्लीट है, तो बहुत सुंदर दिखती है ये। पूरी कॉटन मटेरियल में है, ब्लैक और ग्रीन की जो कॉम्बो होती है ये एकदम एक बहुत जबरदस्त वाली एक कॉम्बो होती है। राउंड नेक है, बहुत सुंदर है। इसमें भी मेरी साइज है एल, मुझे बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा मुझे ऑल्टर करनी पड़ेगी, तो आप जरूर इसे लेना, बहुत सुंदर दिखोगी, बहुत सुंदर। तो ये थी मेरी थर्ड जो कुर्ता सेट है, वो पार्टी वेयर तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ऑफिस वेयर तो जरूर है और बहुत बहुत एलिगेंट है गाइस। ये देखो मेरी बहुत फेवरेट है, ये कुछ ब्लैक और पीच कलर की कॉम्बो में आई है, ये देखो ब्लैक और पीच। इसकी जो कुर्ती है वो है ब्लैक कलर में, ये है कुछ इस तरह की, ये ना पूरी धागों से एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये देख सकते हो, ये जो काम आप देख रहे हो ये धागों से एम्ब्रॉयडरी की गई है, प्योर कॉटन मटेरियल में है, प्योर कॉटन मटेरियल में कुर्ती है कुछ इस तरह की। ये देखो राउंड नेक है, एकदम सिंपल सा कुर्ती है, लेकिन पीच कलर की धागों से एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये देखो 3-4 स्लीव्स है, आप देख सकते हो, इतनी अच्छी वाली मटेरियल है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कॉटन मटेरियल है, बहुत अच्छी वाली है, बहुत अच्छी वाली। इसमें भी मेरी साइज है एल, ये देखो साइड स्लीट है, बैक पोर्शन में एकदम प्लेन है, कोई काम नहीं की गई है, सिर्फ सामने बड़ी बड़ी इस तरह की लीफ की मोटिफ की गई है पीच कलर की एम्ब्रॉयडरी करके, ये देख सकते हो, ये देखो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और इसके साथ जो प्लाजो दी गई है वो जो ये जो डिजाइन की गई है ना उसी कलर की प्लाजो दी गई है, ये है कुछ इस तरह की, इस पोर्शन में इलास्टिक दी गई है और पूरी जो प्लाजो है वो कुछ इस तरह की है, नीचे आप देख सकते हो ब्लैक कलर से एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये देखो ब्लैक कलर की धागों से एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये देखो। और घेर भी बहुत बहुत अच्छी वाली है, बहुत सही वाली है, मैं पिक्चर डालती हुई जाऊंगी, क्लिप्स डालती हुई जाऊंगी, आप चेक कर लेना, इतनी अच्छी वाली है मटेरियल। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये शायद मुझे 422 इस तरह की कुछ पड़ी थी मटेरियल गाइस, इतनी सॉफ्ट है, इतनी अच्छी वाली कॉटन मटेरियल है कि मैं क्या बताऊँ, जरूर जरूर इसे लेना गाइस और फिर मुझे बोलना। तो ये है इसकी प्लाजो, तो ये जो कॉम्बो है बहुत बहुत सुंदर है गाइस, मुझे बहुत एलिगेंट लगी। आप किसी भी कहीं पर भी आपको जाना है, लाइक सिर्फ पार्टी वगैरह तो अटेंड नहीं करते हैं ना, कहीं पर भी आपको जाना है अब बस छा जाओगे, अब बर्थडे पार्टी में भी इसको अच्छी तरह से ज्वेलरी के साथ पेयर करके जा पाओगे, इतनी एक एलिगेंट वाली है, मुझे तो ऐसे कुर्ता सेट। नाउ मेरी फोर्थ जो सेट है गाइस वो अगेन बहुत अच्छी वाली है, एकदम ओकेशन वेयर वाली है, पार्टी वेयर वाली है, शादी वेडिंग वेयर वाली है, इतनी अच्छी वाली है। वो ना एक गाउन और जैकेट का सेट है गाइस, ये देखो गाउन कुछ इस तरह की है, लाइक एकदम मेरून कलर में है, मुझे बहुत लॉन्ग हो गई है क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी कम है गाइस, लेकिन हाँ अगर आपकी हाइट अच्छी वाली है तो आपको बहुत सुंदर लगने वाली है, मैं भी इसे ऑल्टर करवा लूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आई है। फ्रंट लुक कुछ इस तरह की है, ये देखो सामने इस तरह की ये देख रही है आपको, ये देखो ऑक्सीडाइज वाली एक लटकन ऐसी लगाई हुई है, ये देखो ऑक्सीडाइज मेटल वाली है, ये गोल्डन कलर में है और ये ब्लू कलर की इस तरह की लटकन भी दी गई है, ये देख सकते हो कितनी सुंदर है। और नेक पोर्शन आप देखो कितनी सुंदर नेक पोर्शन है, ये देख सकते हो पूरी जो कुर्ती है इसमें गोल्डन की इस तरह की लाइक डिजाइन की गई है, ये देख सकते हो। और इधर से कमर पोर्शन से इसकी फ्लेयर जो है वो स्टार्ट हो जाती है और पूरी कुर्ती में इस तरह की सेम प्रिंट की गई है, और नीचे जब आप नीचे जाओगे तब इस तरह की फ्रिल लगी हुई है, ये देखो एक गोटा पत्ती की बॉर्डर दी गई है और फ्रिल, ये जो है ना ये फ्रिल लगी हुई है, दिख रही है आपको, ये देखो पूरी जो गाउन है फिश कटिंग है गाइस, इतनी अच्छी वाली एक लाइक इतनी अच्छी वाली घेर है, फिश कटिंग है, बहुत सुंदर है, नीचे जो ये है ना ये एकदम फिश कटिंग में दी गई है, ये देखो ये जो फ्रिल दी गई है ये है इसकी गाउन, और ये स्लीवलेस है, कोई स्लीव नहीं है, ये स्लीवलेस है। और इसके साथ ये स्लीवलेस क्यों है, क्योंकि इसके साथ जो जैकेट दी गई है वो कुछ इस तरह की है गाइस, ये लाइक ग्रे कलर में है, ये देखो इस तरह रेड और गोल्डन से इस तरह की काम की गई है, ये देखो गोटा पत्ती वाली काम की गई है, दिख रही है, ये देखो कितनी सुंदर वाली। और ये ना
फुल स्लीव्स है। ये जो आती है ये एकदम फुल स्लीव्स है, इसलिए जो गाउन दी गई है वो स्लीवलेस दी गई है। ये देखो इसकी लुक, जैकेट कुछ इस तरह की है। ये देखो हाथों में भी सेम काइंड ऑफ काम की गई है। ये देखो नीचे पूरी पूरी जो जैकेट है उसकी नीचे इस तरह की, और ये साइड स्लिट भी है, फ्रंट स्लिट भी है। ये जो जैकेट है ना ये फ्रंट स्लिट तो है ही, साइड स्लिट भी है। ये देखो साइड स्लिट भी है, पूरी सामने इस तरह की गोटा पत्ती की लेस लगी हुई है। ये देखो बॉर्डर जैसी दी गई है, और इस तरह की लटकन भी दी गई है टाई अप करने के लिए। तो ये थी इसकी जैकेट, मैं पिक्चर देती हुई जाऊंगी, इतनी सुंदर है गाइज, मैं क्लिप्स भी डालती हुई जाऊंगी, अब जरूर इसे चेक करना, बहुत अच्छी लगने वाली हो आप अगर आप इसे पहनोगे तो। इसकी जो मेटेरियल है वो कॉटन मेटेरियल है गाइज, बहुत बहुत इतने कंफर्टेबल वाले मटेरियल है, आप इजीली इसे अच्छी तरह से ज्वेलरी के साथ पेयर अप करके किसी भी फंक्शन में, किसी भी वेडिंग फंक्शन में जा सकते हो, इतनी अच्छी वाली है, कॉटन मटेरियल है तो बहुत कंफर्टेबल। तो ये थी मेरी आज की हॉल गाइस, आई होप आपको आज की हॉल बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को, जाने से पहले लाइक कर देना, शेयर करना अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ताकि मेरी चैनल आगे बढ़ पाए गाइस। और जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बोलना कि आज की कलेक्शन आपको कैसी लग रही है। बहुत बहुत जल्द मैं गिवअवे भी लाऊंगी मेरी सब्सक्राइबर्स, मेरी फ्रेंड्स के लिए, तो स्टे ट्यून। और मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, मेरी हैंडल है misty4807, ताकि मैं, और मुझे कॉमेंट भी करना ताकि मैं जान पाऊँ कि कौन कौन देख रहे हो मेरी वीडियोस। तो गिवअवे करने में आसानी होगी, मैं रूल्स रेगुलेशंस बहुत जल्द लाऊंगी। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर, बाय।